हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सीरीज में। आज का क्वेश्चन है, सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय। ऑप्शन है मैथियास श्लाइडेन, थियोडोर श्वान, मैथियास श्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान या फिर रुडॉल्फ वर्च्यू। तो देखिए, एक स्लोगन है ओमनी सेलुला ई सेलुला, इस स्लोगन को रुडॉल्फ वर्च्यू ने दिया था। बाकी सेल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इस सेल थ्योरी को मैथियास श्लाइडेन और श्वान ने मिलकर दिया था, और उसमें उन लोगों ने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था कि प्रत्येक सेल डिवाइड करती हैं और नई सेल्स अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। उसको रुडॉल्फ वर्च्यू ने उसमें उस सेल थ्योरी में ऐड किया, फिर जाकर सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। तो ये जो स्लोगन था ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसी का अर्थ होता है सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जो भी बच्चा सिर्फ सेल थ्योरी को देखकर ये लगा देगा तो वो मैथियास श्लाइडेन और श्वान लगा देगा, जबकि इसका सही आंसर होगा रुडॉल्फ वर्च्यू। तो क्या हो जाएगा? रुडॉल्फ वर्च्यू। रुडॉल्फ वर्च्यू गेव द कॉन्सेप्ट दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पर होगा ओमनी सेलुला ई सेलुला, शायद इरेज हो गया है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब हम इस चीज़ को आपको एनसीईआरटी में दिखाना चाहते हैं कि कैसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये रुडॉल्फ वर्च्यू 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथिसिस ऑफ श्लाइडेन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। हमने कहा ना कि श्लाइडेन और श्वान ने अपनी सेल थ्योरी में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था, तो उसको रुडॉल्फ वर्च्यू ने मेंशन किया, मॉडिफाइड किया उस हाइपोथिसिस को और उसको फाइनल शेप दिया। तो पूरी सेल थ्योरी ये है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरी लाइन है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।